हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। जिले के नोडल अधिकारी संजय आर भूसरेड्डी ने सोमवार को किया जिले के धान क्रय केंद्र, गन्ना बीज वितरण केंद्र, जिला अस्पताल सहित अन्य कार्यों का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित पिरामल आरओ वाटर प्लांट का किया उद्घाटन, कहा कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले लोगों को मिलेगा निःशुल्क शुद्ध पेयजल। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर विश्वविद्यालय इंटरनल कमेटी की बैठक, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सहित कानूनी मसले पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीआरसी में 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए लगाया गया एक दिवसीय दिव्यांगता प्रमाण पत्र कैंप, लगभग 250 दिव्यांगजनों का किया गया रजिस्ट्रेशन। सोमवार की सुबह तक जिला अस्पताल में नहीं था एंटी रेबीज इंजेक्शन, गोरखपुर न्यूज संवाददाता ने जब की पड़ताल तो दोपहर बाद सीएमओ ने उपलब्ध कराया एआरबी वैक्सीन। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेसियों ने चेतना तिराहे पर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, फहराया तिरंगा, दी सलामी। गोरखपुर में सोमवार को मिले 27 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,904। अब तक 340 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 252 रह गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। गोरखपुर न्यूज चैनल के खबर का असर, वार्ड नंबर 39 धर्मसारा बाजार में 2 माह से गिट्टी डालकर छोड़ी गई सड़क का निर्माण कार्य हुआ शुरू, चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था सड़क की दुर्दशा, कार्य शुरू होने पर स्थानीय पार्षद ने चैनल को व्यक्त किया आभार। जिला अस्पताल में बंद है दिल की धड़कन और पैरों के संतुलन की जांच, मरीजों को टीएमटी कलर डॉपलर इको मशीन की जांच की नहीं मिल रही सुविधा, बाहर में यह जांच है महंगा, मरीज हो रहे परेशान। चारों धामों की यात्रा कर लौटी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर का किन्नर समाज सहित अन्य संगठनों ने किया स्वागत, महामंडलेश्वर ने अपने समाज के लोगों तथा यजमानों का जताया आभार। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के एनसी हॉस्टल खाली कराने की अफवाह के बाद दर्जनों छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर की नारेबाजी, किया विरोध प्रदर्शन, विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को समझा कर कराया शांत, हॉस्टल खाली नहीं कराने का दिया आश्वासन।